नीमच शहर में कोरोना महामारी से निपटने के लिए 2 दिन में तैयार की गई युवाओं ने सैनिटाइजर मशीन लगभग 30,000 सैनिटाइजर मशीन बनाकर नीमच कैंट थाने पर दी गई है, जिसका शुभारंभ CSP राकेश मोहन शुक्ल, जेलर DR त्रिपाठी, थाना प्रभारी अजय सारवर ने सैनिटाइजर मशीन का शुभारंभ किया है। बताया गया है कि रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन एवं नगर सुरक्षा समिति सदस्य जैसे ही थाने में प्रवेश करेंगे तो सैनिटाइजर मशीन 6 सेकंड तक चलेगी, जिसमें पूरी बॉडी सैनिटाइजर हो जाएगी। इसमें करीबन 25,000 रुपये के आसपास की लागत लगी है। इसमें हमारे मेडिकल व्यवसाय से जुड़े कुछ लोगों का सहयोग रहा है। ये एक फुल बॉडी सैनिटाइजर डोम है, जिसमें कि जब आदमी प्रवेश करेगा और जब एग्जिट पॉइंट पर निकलेगा तो पूरा वो ऊपर से नीचे तक एक बार सैनिटाइज हो जाएगा। ये आज हमने नीमच कैंट थाने पे इसको CSP साहब के साथ, ए साहब के साथ यहाँ पे दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा अभी सेवा में पुलिस और पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी ही लगे हुए हैं, तो इनकी सुरक्षा, पब्लिक की सुरक्षा सभी की ज़रूरी है। और उनके मित्रों द्वारा ये सैनिटाइज़र मशीन जो है सेंसर युक्त नीमच कैंट थाने में लगाई गई है। हम उनकी भावना का बहुत आदर करते हैं। समाज के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जो जंग है उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और इसी भावना के कारण अभी तक कोई भी नीमच ज़िले में कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। हमको आगामी समय में भी बहुत सावधानी रखना है। हम जो है सभी लोगों से पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से अपील करते हैं कि यदि कहीं से कोई बाहर से आपके यहाँ या आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति आता है तो उसका अनिवार्य रूप से हमको सूचना दें, अनिवार्य रूप से उसका मेडिकल कराएं, जिससे कि पूरा ज़िला सुरक्षित रहे, सब लोग अपने घर में रहें। थोड़े से दिन की बात है, मैक्सिमम टाइम निकल चुका है, और थोड़े दिन धैर्य बना के रखेंगे तो हम इस महामारी पर काबू पा सकते हैं। ये सेंसर युक्त मशीन है, ये 6 सेकंड में पूरा शरीर को सैनिटाइज कर देती है। इसमें ऊपर से फवारे लगाकर सैनिटाइज़र का यूज़ किया गया है, जो पूरे शरीर में कपड़ों सहित कोई भी यदि वायरस है तो उसको नष्ट कर देती है। इससे पूर्व हम लोगों ने अपने कंट्रोल रूम में ये लगाया है, और जो हमारे पॉइंट्स हैं उन पे भी अभी चर्चा चल रही है कि हम लोग वहाँ भी ये इस तरह से कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे, जिससे कि जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं वो संक्रमित ना हो पाए। नीमच जिले से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।